तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज आपके सामने खड़ी है 2023 अपडेटेड टाटा अल्ट्रोज का एक्सजेड सेकंड टॉप मॉडल। BS6 फेस 2 इंजन इसमें लगा हुआ है। इसका कंपटीशन सीधा i20 और बलेनो से किया जाता है। अगर जो आप कंपेयर करते हैं इस टाटा अल्ट्रोज से, तो भाई जिस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जिस हिसाब से इसकी प्राइस है, उस हिसाब से आज हम देखेंगे इस सेकेंड टॉप मॉडल में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं और ये मॉडल आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यह है टाटा अल्ट्रोज का एक्सजेड 1.5 लीटर डीजल इंजन। अगर जो आप इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करते हैं तो 9,84,000 रुपए की आपको एक्सोरूम पड़ जाती है। ऑन रोड 11-22 हमारे बस्ती में पड़ जाती है। अगर जो आप टाटा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले अगर जो आप की बात करेंगे तो ऐसी कुछ आपको की मिलती है, जिसमें आपको 4 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है और साथ ही साथ आप यहीं से बूट को अनलॉक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम इसके की का है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो काफी बॉक्सेस डिजाइन देखने को आपको मिल जाएगा। 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ये हो गया इसका ट्विन हुक। जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से इसमें काफी बेहतरीन सा हेडलैम्प यूनिट यूज किया गया है। लो भी और हाई भी एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट यहाँ पे ऑफर की गई है। फॉग लैम्प इस वेरिएंट में आपको मिल जाएगा और ये होगा इसका DRS। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm की मिल जाती है। काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है और ऐसे कुछ लुक निकल के आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो टाटा का लोगो, ये पूरा ग्लॉसी फिनिश का यूज किया गया है। ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ से है। आइए साइड प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो ऐसी कुछ लुक निकल के आती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं 16 इंच के। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर्स बॉडी कलर ब्लैक कलर के साथ आपको ओआरएस मिल जाएगा, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट और फोल्ड दोनों कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना ऑफर किया गया है। सी पिलर पे आपको इसका डोर ओपन करने का ऑप्शन मिलेगा, जो टाटा पंच और मारुति स्विफ्ट वगैरह में आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे भी यूज की गई है। 44 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और ये हो गया इसका रियर प्रोफाइल। फ्रंट से कहीं ज़्यादा तो रियर से अच्छी लगती है, क्योंकि इसका जो टेल लैंप यूनिट यूज किया गया है ना, गाड़ी को और भी इम्प्रूव कर देता है। ये पूरा ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप ऑफर किए गए हैं। अल्ट्रोज लिखा गया 3D में। रिवर्स पार्किंग कैमरा, टाटा का लोगो, वाइपर, डिफोगर्स, हाई मॉडल स्टॉप लैंप के साथ साथ यहाँ देखेंगे तो काफ़ी छोटे डिजाइन के साथ स्पॉइलर भी ऑफर किया गया है। 2 आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 फीट का डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो गाड़ी आपको अंदर बताती रहेगी कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है, टू टू करती रहेगी। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। रिफ्लेक्टर ऑफर किया गया है। नंबर प्लेट के ऊपर 2 LED लाइट्स ऑफर की गई हैं। अगर आप बूट स्पेस की बात करेंगे तो आप यहीं से इसे अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन भी मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो पार्सल ट्रे ऑफर की गई है इसके बूट में। टायर मोबिलिटी किट। टायर साइज की बात करेंगे तो बाकी चारों टायरों से 1 इंच कम आपको इसका स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। इस सीट को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा कि 2 बंदों की लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हैं तो इस फोल्ड करके काफ़ी अच्छा खासा बोट स्पेस पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इसके इंटीरियर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आपको रिको सेंसर मिल जाता है, ऐसे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। करते हैं गाड़ी को अनलॉक और दिखाते हैं इसका इंटीरियर प्रोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ब्लैक और बेज कलर का इसका डोर मिल जाएगा। चारों पावर विंडो के साथ साथ चारों मीटर को आप ऐसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ORV कंट्रोल, सिल्वर के साथ डोर ओपनर, ट्यूटर के साथ साथ बोर्डर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर की गई है। और ऐसा कुछ सिस्टम है इसके इंटीरियर प्रोफाइल का। फैब्रिक की सीट आती है जिन्हें आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक को खोलना हो तो आप यहीं से इसका फ्यूल टैंक खोल सकते हैं, यहाँ से इसका बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे ही दिए गए हैं और इनका देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफी अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के, वॉइस कमांड के सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे ही ऑफर किए गए हैं। टाटा का लोगो हो गया। 2 एयरबैग के साथ आती है, एक ड्राइवर साइड, एक आपको को ड्राइवर साइड मिल जाएगा। और इसके सेकंड टॉप मॉडल में आपको क्रूज कंट्रोल के भी ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं, कुछ इस तरह का इसमें आपको हॉर्न मिलेगा। साथ ही साथ ये रहा इसका बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ इसकी माइलेज, इसमें आपको टेकोमीटर के साथ साथ आपको स्पीडोमीटर ऑफर की गई है। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी पे भी माइलेज वगैरह सारी चीजों को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। काफी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड ऑफर किया गया है। अगर जो आप कंपेयर करते हैं मारुति बलेनो या i20 से, तो भाई बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए जो बेसिक फीचर की नीड होती है इसमें ऑफर की गई है। ऊपर देखेंगे टिकट होल्डर हो गया, यहाँ पे आपको वैटी मिरर ऑफर की गई है, सनग्लास होल्डर दिया गया है, LED लाइट्स हो गई, डे नाइट आपको IRVM ऑफर किया गया है। और जब आप नजर डाल लेते हैं इसके सेंटर कंसोल में तो आपको 7 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। नेविगेशन वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, सारे सिस्टम को यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यूज किया गया है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। स्लाइड लाइन का भी ऑप्शन ऑफर किया गया है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और यहाँ देखेंगे तो जो सॉफ्ट टच वाली जो फील है वो यूज की गई है। हजार लाइट ऑन करने के साथ साथ सेंटर में आपको 2 इवेंट्स मिल जाते हैं।
अल्ट्रॉज लिखा गया है 3D में, और यहाँ पे आप जब नजर डालेंगे तो प्योर लाइटिंग यूज की गई है। और जब आप ये चीज देखेंगे, प्लास्टिक पेंट वाली जो फील होती है ना, सिल्वर स्विच का यूज किया गया है और काफी बेहतरीन लगता है, इंटीरियर को काफी इंप्रूव कर देता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, फैन स्पीड वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, किस ब्लोअर की हवा चाहिए, तो सारी चीजों को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है, यूएसबी पोर्ट के साथ साथ स्टोरेज वगैरह सारी चीजें ऑफर की गई है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा, ऑटोमेटिक के साथ साथ इसमें आपको ड्राइव मोड के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये इको मोड हो गया, उसके बाद सिटी मोड, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो दो मोड्स आपको मिल जाते हैं ड्राइव के हिसाब से। स्टोरेज दिया गया है, कप होल्डर वगैरह, आर्मरेस्ट मिल जाते हैं जो कि स्लाइडेबल आपको मिलेगा, नॉर्मल सा आपको हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, और ऐसा कुछ सिस्टम है इसके सेंटर कंसोल का। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेड के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसके ओवरऑल इंटीरियर का। आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका रियर सीट कंफर्ट, फिर आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। ये जो सीट है ड्राइवर साइड अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, फिर आपको चेक करवा देते हैं इसका लेग रूम और हेड रूम। अब देखा जाए जिस हिसाब से भाई बलिनो और i20 से कंपेयर करेंगे तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी सेफ्टी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। जिस हिसाब से गाड़ी सडान है उस हिसाब से तो लग्जरी स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ देखेंगे तो बेज कलर का यूज किया गया, बेज और ब्लैक कलर का यूज किया गया है, पावर विंडो के साथ साथ सिल्वर के साथ डोर ओपनर, बोतल होल्डर के साथ साथ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट ऑफर की गई है। तो आपको फैब्रिक की सीट मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। कंफर्ट वगैरह कैसा है, तो भाई जिस हिसाब से गाड़ी सडान है उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा खासा लेगरूम मिल जाता है, थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, और हेडरूम की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपको हेडरूम मिल जाएगा, फोल्डेबल ग्रे बंडस। ये रहा इसका रियर सीट फ्रंट प्रोफाइल। अगर जो आप इसमें आने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ABS EBD दो एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, शेड वेल वार्निंग, काफ़ी कुछ सेफ्टी फीचर का अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। तो आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इसका इंजन। ये रहा BS6 फेज 2 इंजन, 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन जो कि काफी पावरफुल इंजन आपको मिलेगा, 88 BHP की पावर निकालेगा, 200 Nm का टॉर्क निकालता है। जो आप माइलेज की बात करेंगे तो कंपनी आपको 22 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है। तो दोस्तों ये थे गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और इस कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।